हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आज हम राजवाड़ा जाने वाले थे कुछ गैर का वीडियोग्राफी करने, पर वो हो नहीं पाया क्योंकि क्या हुआ कि मैं जैसे ही निकला मॉर्निंग में अप्रॉक्सीमेटली 9:30 के आसपास मेरे घर से, तो थोड़ा सा ही आगे चल के मतलब कई लोगों ने कलर खेलना भी चालू कर दिया था और बलून फेंकना भी चालू कर दिए थे, तो मेरे को फिर वापस से रिटर्न बैक आना पड़ा होम क्योंकि मेरे हेलमेट पे भी कैमरा लगा था और मैं नहीं चाह रहा था कि कैमरा मेरा ख़राब हो जाए या फिर मेरे को कलर गिरे मेरे पे, तो थोड़ा मेरे को सावधानी लेनी पड़ी। और सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं जा नहीं पाया और वीडियोग्राफी ले नहीं पाया, पर यह है कि हमने हमारे घर पे ही जो कॉलोनी में प्रोग्राम हुआ था तो उसमें उन्होंने हमसे 300 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करा था, तो हमने वो अटेंड भी करा था। तो उसमें मॉर्निंग में उन्होंने जैसे हमको नाश्ता दिया था अप्रॉक्सीमेटली 10 बजे के आसपास और 2 बजे हमारा खाना भी हुआ था, तो काफ़ी अच्छा रहा था, वो गेट टुगेदर था लोगों से। मैं खेलने तो नहीं गया था होली, पर यह है कि हम उनसे मिले थे, काफ़ी बातचीत हुई थी अच्छी, तो अच्छा लगा था। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। ये हमारे रेंजू भाई साहब जा रहे हैं। आजकल पता नहीं इसकी एक आदत हो गई है इसको, जैसे कि ये घूमने जाता है तो स्निफिंग तो करता है, सूंघता तो रहता है, फिर जाके उस पर बाथरूम करता है उस हिसाब से जो भी है। पर आजकल पता नहीं क्या हो गया इसको, है ना, ये लिकिंग करने लग गया, मतलब थोड़ा बीच बीच में से चाटता है। मैं देखता हूँ तो ऐसे करता है नौटंकी की, कुछ भी नहीं करा मेरा, जैसे मेरा ध्यान भटका वैसे ही ये करने लग जाता है। तो अगर आपको अगर कुछ पता है इससे रिलेटेड कि ये ऐसा क्यों करता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कमेंट करके। सो गाइस, शायद मैंने आपको बताया नहीं अभी कि हम जैसे हमारे कॉलोनी के गेट से बाहर निकलते तो थोड़ा सा आगे चल के राइट हैंड साइड पे ही 2 घर है, जिसमें एक घर में तो एक रॉटवाइलर रहता है और एक घर में 2 हस्की रहते हैं। तो हस्की तो ठीक है, और रॉटवाइलर इतना ख़तरनाक तरीके से भौंकता है रेंजू पे, मेरी तो मतलब ऐसी फटती है ना कि वो कहीं गलती से बाहर नहीं निकल जाए। तो आपको क्या लगता है कि रॉटवाइलर खतरनाक हो सकता है क्या? मेरे को तो लगता है क्योंकि उनका जो बाइट फोर्स है काफ़ी स्ट्रांग रहता है, आफ्टर जितना मैंने पढ़ा है क्रोकोडाइल के बाद जो उनका बाइट काटने की जो क्षमता रहती है, वो काटने के बाद जो वो पकड़ के रखते हैं अपने दांतों से, वो सबसे ज़्यादा रॉटवाइलर की रहती है। तो आप मेरे को बताइएगा इसके बारे में, तो मिलते आपसे जल्दी। पता नहीं ये हमारे घर के आसपास ही थोड़े रंग जरा ज़्यादा बिखरे हुए रहते हैं, आप देख सकते हैं। अभी मैंने थोड़ा यहाँ का पैच साफ करा था। अब हमारी गाड़ी है, इस पर भी थोड़ा थोड़ा रंग तो गिर गया है, इसको भी हमको अब कल साफ करते हैं क्योंकि कल जाना है, एक दो काम है, फिर समझते। अब देख सकते हैं हमने आज थोड़ी साफ़ सफाई करी थी हमारे जो छोटा सा गार्डन है यहाँ पे। एक्चुअली इन गमलों में ना काफ़ी ज़्यादा है ना जंगली घास बहुत हो गई थी, तो जितनी हो सके हमने उतनी साफ़ करने की कोशिश करी है मैंने और मम्मी ने मिलके। ये देखो ये सब थोड़ा निकाला हमने, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। सो गाइज, अभी मेरे को एक बात शेयर करनी थी आपसे कि 5-6 दिन पहले मैं कुछ YouTube पे सर्च कर रहा था ऐसे ही मतलब चमत्कार से रिलेटेड, तो मेरे को एक बागेश्वर धाम सरकार के बारे में पता चला। तो उसके बारे में मैंने थोड़ा सर्च करा, उनके वीडियोस देखे, तो एक चीज़ मेरे को पता चली कि जैसे वो लॉर्ड हनुमान जी के भक्त थे, तो कई लोग बोलते कि ये सब नौटंकी हो सकती है, पाखंड हो सकती है, मेरे को नहीं पता। पर एक बात तो मेरे को पता है कि अगर आप किसी भगवान की, क्योंकि भगवान का एक रूप तो नहीं अनेक रूप है, तो अगर आप उसकी भक्ति करते हो और साधना करते हो
सही तरीके से, और उसमें आपको बहुत नियमों का तब पालन करना पड़ता है और कई सालों तक तपस्या करनी पड़ती है। और अगर आप वो करते हो तो ये तो मैं जानता हूँ कि आपको सिद्धि तो प्राप्त होती है, और अगर आपको वो सिद्धि प्राप्त होती है और उससे अगर आप चीज़ें कहीं बताते हो तो वो है, वो झूठ नहीं कह सकते पर वो तो है। मैं मतलब किसी का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा है, मेरे को किसी से ये नहीं है, पर होता है कि ऐसी सिद्धियाँ होती है। अब हमारे इंडिया में जैसे कोई बोलते हैं नीम करोली बाबा भी एक, और बहुत सारे मतलब हुए हैं कई जिनके पास चमत्कारी शक्तियाँ भी थी, जैसे आप जानते होंगे सत्यसाई बाबा को, तो वो तो वर्ल्ड फेमस है, तो उनके पास भी काफ़ी कई शक्तियाँ थी और किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ से आए थे, पर यही पता था कि वो साधक थे, साधना करते रहते थे हमेशा। तो इस हिसाब से मेरे को भी लगता है कि अगर आपने साधना करी है सही तरीके से तो आपको उसका फल तो मिला है, और अब आप उस फल के रूप में अगर वो शक्तियाँ है और उसको आप इस्तेमाल कर रहे हो तो वो गलत नहीं है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ठीक है। और बाकी फिर अभी हम एडिटिंग कर रहे हैं थोड़ा बहुत वीडियोस की, तो उसको हम आपको अपडेट करते हैं जल्दी। दोस्तों अभी हमने क्या करा है कि जैसे हमारे शॉर्ट्स वीडियोस भी आ रहे हैं अभी एक दो दिन से, और लॉन्ग वीडियोस भी एक्चुअली मिक्सअप हो रहे, तो हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है। तो अगर आप हमारे चैनल को खोलते हो तो उसमें एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, आप उस पर जाइए, उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट है, तो उसमें आप हमारे डेली व्लॉग्स सेक्शन में जाइए, तो अगर आपको व्लॉग्स देखने हैं तो आप उसमें जाइए, तो आपको सारे सिर्फ और सिर्फ व्लॉग्स ही मिलेंगे, उसमें शॉर्ट्स नहीं मिलेंगे। शॉर्ट्स का हमने अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी है, तो आपको अगर वो देखनी है तो आप उसको भी जाके फाइंड आउट कर सकते हो और वीडियोस को देख सकते हैं, तो आपको आसानी होगी। और किसी भी प्रकार के अगर आपको मिक्सअप ऐसा लग रहा है तो उससे आप बच सकते हैं, और उसके अंदर जाके आपको पूरा सर्च आउट मिलेगा और आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो अभी हम डिनर में मसाला ओट्स खा रहे हैं, लाइट भी है प्लस टेस्टी भी है, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में खा के। सो गाइज हमने आपको बताया था ये घर है जहाँ पे ये दो साइबेरियन एक काफी अच्छे दिख रहे हैं। रेंजू को दोस्ती करना उससे, ये लगता है ये करने नहीं दे रहा, ये बोल रहा है कि मैं करूंगा। अभी ये है ना मेल है वो फीमेल है, सो इसलिए सो चलते हैं। ये हमारा रेंजू बाबा, सो गाइस आप देख सकते हैं यहीं पे प्रोग्राम हुआ था, और एक्चुअली क्या हो गया कि मेरी बैटरी जो है 10% के नीचे है, इसलिए फ्लैशलाइट चालू नहीं हो रही है। और यहीं पे हमारा ये हमारे कॉलोनी का गार्डन है, ये आप देख सकते हैं, और उधर हमारा घर है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हुआ था, अभी हमारा इवनिंग वॉक भी हो गया है और ऑलमोस्ट एडिटिंग का भी काम फिनिश होने को आया है। तो आपको अगर हमारी वीडियोस अगर अच्छे लग रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करिए। और एक और बात, अब रिंजू के भी वीडियोस आ रहे हैं शॉर्ट्स में, तो अब आप उसको भी देख सकते हैं, और वो भी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो अब आपसे कल मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टाटा, मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल स्वराज महेडिकर, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट बिलो।